हाय गाइस, चलो आपको दिखाता हूँ दुनिया की जन्नत लोकेशन विच इज़ बरोट वैली। बरोट वैली के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, बात भी करेंगे उन लोगों के साथ जो बरोट वैली में बहुत सालों से रहते हैं, और एक वंडरफुल नेचर एक्सप्लोरेशन ट्रिप करेंगे। रेडी? ऑल राइट, बट ध्यान रखिएगा, बरोट हाईलैंड से वो जो रास्ता जहाँ हम जा रहे हैं एस्ट्रो कैंप, वो करीब करीब 5 किलोमीटर दूर है, विच विल टेक यू 30 मिनट्स टू वॉक। वॉक वाला रास्ता आप देख सकते हैं, डेफिनेटली मैं पूरा वॉक करके ही जाऊंगा। तो आई विल मेक शॉर्ट स्निपेट, थोड़ा थक भी जाओगे आप, जैसे मेरी सांस फूल गई है तो थोड़ा थकावट हो सकती है, बट अगर आप हाफ एन आवर तक जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। थैंक यू। देखिए इस व्यू को, दिस व्यू हैज एवरीथिंग ऑफ बरोट, द वेजिटेशन, द वैली एंड द माउंटेन्स, द रेंज ऑफ माउंटेन्स, from one to another, 5 range of mountain in a single procedure. देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हेलो रोशन जी, ये जो आपने मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई, आपने जो चीज़ें यहाँ पे बरोट वैली को जैसा एक्सपीरियंस किया है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ आपसे। तो जब आप रात को आसमान देखते हो तो आपको मतलब क्या दिखता है यहाँ पे? रात को ना यहाँ बहुत अच्छे तारे दिखते हैं, जब क्लियर है मौसम तो बहुत अच्छे गैलेक्सी तक दिखता है ना। वाह क्या बात, कौन से देखा आपने कोई तारा जिसका नाम पता? तारे तो बहुत है, पर हमारे को तारे के बारे में ज्यादा इतना पता नहीं है। हम तो गांव में घर बना सकते हैं, किसी का छत बनाया, जैसे मकान बनाया। जैसे आपने ये जगह बनाई है, वो जो जगह आपने खुद बनाई है सारा कुछ यहाँ पे? यहाँ तो खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे ना। अच्छा, जो भी करना है खुद ही किया, जो भी नीचे से ऊपर तक। आपने जो डोर्स बनाए, डोर्स कैसे बनाए? डोर का सिंपल है, इसमें कोई नहीं है, लकड़ी लाओ, प्लाई लाओ, जोड़ो। और जो हैंडल बनाए, वो हैंडल भी जंगल से लाओ, टेढ़े मेढ़े हैंडल और चिपका दो। अच्छा, और जो आपने छत बनाई है वो कैसे बनाई? वो छत तो स्लेट प्रूफ होता ना, धर्मशाला से स्लेट लाते हैं स्टोन, और फिर खुद कटिंग करते हैं उसको। कटिंग स्टोन आता है, कटिंग स्टोन आता है, करते हैं, चूज करते आते हैं, साइज रहता है उसका, 7-14 by inch और 8-16, तो स्लेट डाल के छत बनाते हैं। अच्छा, गाँव में ऐसे। और दीवार कैसे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत है, तो उसके लिए क्या करते हैं? दीवार में ऐसा है, पहले तो पत्थर लगाओ, फिर बाहर से मिट्टी लगा दो, तो उससे क्या मतलब फर्क पड़ जाता है? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क। कैसा फर्क पड़ता है? मिट्टी में गर्मी में ठंडा, ठंड में गर्म रहता है। क्या बात है, कैसी मिट्टी? पहाड़ों की खुद? हाँ, खुद का यहीं का मिट्टी है। तो ये कुछ स्पेशल मिट्टी है? नहीं, कोई स्पेशल नहीं है, गांव वाले वही मिला वही लगाते हैं, दूर से नहीं। मुझे लगता है थोड़ा क्लेश ज्यादा है इसमें। दो तीन किस्म का, दिस इज अ ब्लैक सॉइल काइंड ऑफ, है ना? ओके ओके। तो आपने जो ये सराउंडिंग एरिया बनाया, मैंने देखा छोटे छोटे जो आपने यहाँ पे टेबल्स बनाए हैं, वो भी किसी पत्थर से बनाए हैं, फिर उसके डंडे भी नीचे के आपने लकड़ी काट के बनाए। क्या स्ट्रेटजी है इसमें? जो डेड वुड होती है ना, उसको उठा के हम खड़ा किया, और स्टोन खुद स्प्लिट करके ना पहाड़ों से। अच्छा, खुद लगा दिया। बहुत अच्छी अच्छी कटिंग है, मतलब बेंचेस में और उसमें बहुत अच्छे से कट किया आपने उसको, तो खुद किया है और अपनी फैमिली के साथ? हाँ, दो बच्चे और एक घरवाली, तो ये सब मिलके करते हैं। मिलके। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम तो बचपन से है, पर ये किया हमने 2017 से शुरू। आप प्री कोविड, कोविड से पहले? हाँ, कोविड में पूरा बना दिया होगा। कोविड से पहले बना दिया था, 2-3 साल बंद रहा, फिर चला, फिर चला। तो आपकी प्रॉपर्टी की खास बात क्या है? मतलब खास बात तो सबसे पहले तो यहाँ लोग नेचर के लिए आते हैं, फुल शांति, 360 डिग्री व्यू है, सबसे अच्छा सनसेट है। अभी आप 2250 मीटर हाइट पे हो। अच्छा, इस घर की बात कर रहा हूँ, इस कैंप की, और इधर उधर तो और ज्यादा, तो टोटली नेचर है, कोई तरीके का शोर कहीं से शोर है ही नहीं। 2 किलोमीटर इस तरफ कोई नहीं, इस तरफ कोई नहीं, शोर ही नहीं। यहाँ पे आगे जाके चाइना बॉर्डर आता है? ना ना, चाइना तो बहुत दूर है। तो यहाँ पे कोई बॉर्डर आता है? बॉर्डर आएगा किन्नौर में, किन्नौर में, तिब्बत बॉर्डर। तो ये बिल्कुल एक्सटीरियर है, इसके आगे भी प्रॉपर्टीज है? नहीं, कुछ नहीं है, गांव है, ये लास्ट है, लास्ट है। ओके ओके। रात को जब हम लोग यहाँ पे तारे वगैरह देखते हैं, तारे तो बहुत अच्छे दिखते हैं रात को ना, जब मौसम साफ है और डार्क नाइट है, चांद नहीं है, तो बहुत अच्छे दिखते हैं। तो रूम्स भी आपके बड़े अच्छे हैं, पूरे जितने भी ग्लासेस हैं, पूरे ग्लासेस में पूरा व्यू है 360 डिग्री। सनराइज भी उसी विंडो से दिख रहा है, सनसेट भी उसी विंडो से दिख रहा है। तो ये कैसे आपने प्लान किया, खुद ही बनाया? क्योंकि यहाँ हम देखते रहते हैं ना, गांव बचपन से यहीं गुजरा, तो हम सोचते धूप इस तरफ निकले, डूब इस तरफ, ये सब दिखाना चाहिए, अच्छा है, लोग देखिए तो अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छी तरीके से आपने दिखाया, काफ़ी मेंटेन भी किया हुआ है आपने, जैसे जो भी आपके फ्लावर्स वगैरह या छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हैं,
वो भी बहुत ही कंट्रोल्ड है। मैं ज्यादा ना नेचर के टाइप में रखना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं, जैसे नेचर है वैसा ही रहे तो अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसके लिए मतलब कोई छिड़काव करते दवाई का या कटिंग करते रहते हो टाइम पे? कुछ मत करो, जैसे नेचर है वो थोड़ा बहुत किया, स्पाइस हुई ज्यादा नहीं, ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो फिर वही हो जाएगा। तो कटिंग वगैरह करने के लिए वो टाइमली करते हैं? कटिंग वगैरह गर्मियों में तो होती नहीं है, बरसात के बाद होती है जब लोग रहने आते हैं तब कटिंग होती है। और यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की चीजें हैं, कुछ बहुत ही कांटे वाले पौधे हैं, कांटे वाले कुछ तो हम सब्जियां उगाते हैं खुद खेतों में अपने लिए, तो वही सब्जियों के फ्लावर है, सब्जियों के फ्लावर है। तो इसके बाद हम आलू डालेंगे, ब्रोकली, बंद गोभी, मूली, गाजर, शलगम, पंपकिन, ये सब यहीं पे बनाते हैं, होता है बरसात के बाद, क्योंकि जनवरी, दिसंबर और फरवरी स्नो रहता है। अच्छा। और उसके बाद डायरेक्ट सन आता है, फिर यहाँ पानी का प्रबंध नहीं है खेतों के लिए, फिर अब जब बरसात आएगी, बरसात से पहले बीज डालेंगे, फिर आएगा वो अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर सितंबर में सब्जियाँ बहुत होती हैं। तो अभी ये जो जैसे कुछ पत्ते होते हैं जिसमें कांटे होते लग रहे हैं, बिच्छू पौधे, बिच्छू होते हैं, उसको आप लोग खाते हैं? मतलब यहाँ कम खाते हैं, पानी किसके साथ? रोटी के साथ, सेम जैसे और सब्जी खाए, अच्छा लगता होगा। अच्छा है, टेस्ट के ऊपर है, हमें तो चुभ गया था बहुत दिक्कत हुई हमने पकाने के बाद नहीं चुभ गया। अच्छा, वैसा वेरी नाइस। तो आप लोग फोटोज वोटोज खींचते हो जैसे रात को आप लोग को दिखा कोई बहुत अजीब सी चीज दिखी आसमान में? यहाँ सुनो, स्टारलिंग दिखता है, दो तीन बार दिखा। क्या दिखा? स्टारलिंग। तो सारे एक साथ आठ नौ चलते हैं, आठ नौ, अभी हमने दो तीन बार देखा, एक दिन तो गेस्ट आए थे उस दिन देखा। हाँ, यहाँ बहुत कॉमन दिखेगा ना, क्योंकि बहुत पास है आप आसमान के, यहाँ पे व्यू भी बहुत क्लियर दिखेगा आपको। तो यहाँ पे जब और कुछ देखा हो आपने बहुत स्पेशल, कभी कोई चीज टूटता तारा कितना देखा? बहुत दिखता रहता है, टूटता बहुत दिखता है। और जैसे गर्मियों में ना जो पक्षी नहीं होते चेंज होते एक कंट्री से दूसरी जगह, वो बहुत दिखते हैं जब गर्मी शुरू होती है ना, और पूरी रात चलते हो, रात को चलते हो, पूरी रात हंस होते क्या होते, बहुत पूरे चलते रहते हैं पूरी रात, पूरी रात दिखते हैं आसमान, ग्रुप बाजी, अभी जा रहा है आधा घंटा पहले, एक ग्रुप कोई नहीं रुकता है, कोई नहीं रुकता, अभी तक नहीं देखा रुका, और जाते हो आवाज आती है। अच्छा, यही से उड़ता हुआ जाता है? यही से जाता है, कितनी अच्छी बात है। फ्लेमिंगोज हमने शूट किया था अभी मुंबई में जाके, वो मुंबई में उड़ के जाते हैं, मुंबई तक वहाँ पे रेस्ट करते हैं पानी में, लेकिन यहाँ पे उड़ता हुआ शूट करना कितना अच्छा हो सकता है। और रात को ही दिखता ज्यादा, दिन को कम चलते हैं, दिन को कम, दिन को नहीं देखा हमने कभी, रात को जाते हैं, बिल्कुल प्लान चलते हैं। ऐसे कहा जाता है फ्लेमिंगोज प्लान देयर वेज, कब जाना है, कहाँ तक जाना है, सब प्लान करके उड़ते हैं, और कितने महीनों तक उड़ते हैं वो, लंबा उड़ते हैं, उनका बहुत लंबा सफर रहता है। वेरी नाइस। और क्या देखते हैं स्पेशल आप इसका आसमान में, जो आपको लगता हो कि बहुत आसमान है? यहाँ का मौसम आपको ऐसा मिलेगा एकदम खतरनाक है, तो व्हेल, तूफान, ऐसा मौसम जब साफ हो गया तो बहुत अच्छा है, जब बिजली आसमानी वगैरह बहुत गिरती है। अच्छा, क्योंकि आपको ये पीछे हिमालय है और आगे प्लेन है। अच्छा, तो आगे गर्म हवा, पीछे ठंडी हवा। अच्छा, तो आप समय जो गर्म और ठंडी टकराती है तो बहुत आवाज आती है, तो लाइटनिंग वगैरह बहुत रहता है। बहुत लाइटनिंग होती है, बहुत होती है मार्च अप्रैल के टाइम ना, मार्च अप्रैल के टाइम, फरवरी जब सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है उस टाइम ज्यादा रहता है, मतलब मार्च अप्रैल सर्दी। अच्छा, सर्दी जैसे जा रही है, गर्मी आ रही है, तो नीचे गर्म हवा है, ऊपर ठंडी हवा, तो टकराती है आपस में, तो बहुत थंडर होता होगा, थंडर बहुत आवाज, बिजली बिजली बहुत गिरती है, सारे पेड़ फाड़े हुए हैं, बहुत। तो आपके कैंप में भी गिरती है? ना ना, वो तो नेचर के ऊपर है, कहीं भी डाल सकता है वो तो। नहीं, लेकिन इसको बचाने के लिए हमने टावर लगाया है, टावर में सोच रहा हूँ डालने का भी, लाइटनिंग टावर, लाइटनिंग टावर डाल, लेकिन वो बारिश के मौसम में अभी। और यहाँ पे क्या रहता है, मतलब उसके अलावा कोई इंसेक्ट्स के बारे में बताइए, कुछ स्पेशल इंसेक्ट्स देखते हैं यहाँ पे, कोई ऐसे कीड़े हैं जो? नहीं, यह बहुत किस्म के, पर जहरीले नहीं है, जहरीले नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पेड़ पौधे भी बड़े अजीब टाइप के, वो सब चीज नेचर का एक पार्ट, नेचर का पार्ट है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, जंगली सब्जी भी बहुत होता है। तो हम ये पूछना चाह रहे थे बेसिकली कि गांव में जैसे बरोड बहुत लास्ट में पड़ता है, तो यहाँ पे देवों की मान्यता बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो देव के बारे में थोड़ा जानना चाह रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है समझ के, नहीं देवता का हर फैमिली का अलग फैमिली गॉड रहता है, दो तीन गॉड रहता है, ठीक है, हर फैमिली बहुत मानते हैं, गॉड मानते हैं, दो तीन गॉड, फैमिली देवता ना। अच्छा, फैमिली देवता, फैमिली देवता रहता है हर फैमिली का, जैसे हम राजपूत है, राजपूतों में बहुत कास्ट है। अच्छा,
कोई चौहान है, कोई कपूर है, बहुत बहुत है, तो उनका अलग अलग रहता है देवता, दो तीन देवता रहते हैं, अलग अलग देवता। तो फिर आप लोग पूजा कैसे करते हैं? पूजा जैसे हर दिन नहीं करते पहाड़ी पूजा, अच्छा, जैसे मंगलवार को किया, अच्छा, कोई खास त्योहार है तो किया, अच्छा, शिवरात्रि है जैसे, दशहरा, तो वैसे मौकों पर करते जी। अच्छा, ओके। तो आपको यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है जिसमें देवता लोग, मतलब लोग देवता बहुत बन जाते हैं, उनपे देवता आ जाता है? मंडी में जैसे शिवरात्रि होती ना, जब शिवरात्रि होती तो मंडी में 500 देवता आते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मंडी कहाँ से आते हैं देवता? पूरा ऑल डिस्ट्रिक्ट। और देवता कोई आदमी है? ना, आदमी नहीं है, देवता एक रथ है, रथ बोले तो स्टैचू टाइप का, तो लोग उसको उठा के ले जाते हैं। उसमें कोई होता है पहले से? उसमें कुछ नहीं होता, वो बस एक देवता पावर है। पावर आती है? वो पावर कहाँ से आती है? वो नेचुरल पावर है, पता नहीं उसका, वेद बता नहीं सकते उसको। अच्छा, लेकिन उसमें बहुत पावर होती है। हाँ, वो किसी को दे सकती है पावर? कैसा है? देते हैं वो, जैसे किसी ने जैसे हद कर दी ना, जैसे बाहुबली है, तो कोई फिर हद कर दी, जैसे पत्ती कर दी, तो फिर वो देवता पास जाते। तो देवता में क्या पावर होती है? आपने बताया था एक बार कि देवता जो है वो बारिश तक कंट्रोल कर सकता है। हाँ, जैसे आपको कल जैसे फेस्टिवल है, शादी है घर में, बहुत बारिश हो रही है, आप जाओ पूजा करो, उसको बोलो कि ये इतना दिन मेरे को साफ चाहिए, तो मौसम क्लियर हो जाए। या फिर बहुत दिनों तक बारिश नहीं हो रही है, फिर मांगने जाते हैं वहाँ बारिश, तो वो बारिश दिलवा देते हैं। बारिश कितने परसेंट एक्यूरेसी के साथ ये होता है? अभी अभी क्या हो रहा है कि एजुकेटेड हो रहे हैं लोग, तो इससे बिलीव हट रहा है लोगों को। नहीं, लेकिन जो बोलते हैं हो जाता है, वो होता है, पहले तो बहुत रियल होता था, अब क्या हो, बच्चे पढ़ रहे हैं ज्यादा, शहर जा रहे हैं, तो पढ़ लिखा मान्यता कम हो रही है, लेकिन उनकी वाणी अभी भी पूरी 100% सच है, वो जैसा बोलते हैं वही वैसे ही वैसे होता है। अच्छा, तो लोग इसका बहुत तरीके से यूज करते होंगे अपने? हाँ, बहुत फायदा लेते हैं उससे, पूछते हैं तो क्या है? क्या ये पैसे दे के आप सर्विस ले सकते हैं? नहीं, फ्री में, वो फ्री में। हाँ, फ्री में कोई सेवा, बस खुद ही। हाँ, लेकिन कोई दिल्ली से आके करना चाहे तो दे देंगे? हाँ, उनका ना स्पेशल निकलने का टाइम रहता है, जैसे उसके ना बहुत, एक देवता के 10 आदमी है, पूरा गवर्नमेंट टाइप है उसमें, ठीक है, पुजारी है, गुर बोलते गुर है, तो देख रेख करने वाला है, कंट्रोल करने वाला है, उठाने वाला अलग है, सब सिस्टमेटिक होता है। जैसे एक तो डेट तो होती होगी ना कि इसी दिन निकलेंगे? इस दिन निकले, डेट नहीं होता, तो डेट निकल जाता। क्या बोलते हैं फेस्टिवल को? जैसे मेला बोलते हैं, सिर्फ जैसे मेला जात्र, जैसे शिवरात्रि को निकलेगा, जैसे कोई यहाँ मेला है, हर महीने में हिंदी महीने में मेला रहता है, तो वैसे निकलता। तो झांसी से निकलती है? हाँ, जहाँ उसका मंदिर है वहाँ से निकलते। और कहाँ तक जाती है? जैसे 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ट्रैकिंग हो गया, ट्रैकिंग फिर वापस आती है? हाँ, वापस आती है। अच्छा। रुकने का भी सिस्टमेटिक, जैसे आज इस गांव में, तो 10 किलोमीटर चलने के बाद दूसरे गांव में, ठीक है, फिर नेक्स्ट गांव इस पर। कितने दिन तक चलता है? मंडी के लिए तो 15 दिन लगते हैं, 1 साल 15 दिन। हाँ, तो जिस आदमी को इसमें रहना है 15 दिन तक चलेगा? हाँ, चलेगा। वो गांव में ना सबका नंबर आता है कि आपको अभी पूजा के लिए जाना, सेवा के लिए। अच्छा, 5 दिन का ड्यूटी, फिर चेंज होगी दूसरे का 5 दिन का, ऐसे जाते हैं। तो एक तरह पूरा कल्चर है, कल्चर है, कल्चर है। और गाँव में इतना अच्छा कल्चर है, गाँव में एक आदमी को बहुत जाना बने, जैसे एक गांव में 10 घर है, देवते के पास 60 लोग है, तो उस 10 गांव घर को 60 लोगों को डिवाइड करके भेजते हैं। अच्छा, कि 5-5 लोग एक घर में जाएंगे, ताकि बोझ ना बने। अच्छा, 5 आदमी एक घर में जाएंगे, खाना खाएंगे, 5 दूसरे, ऐसे हर गांव में। कौन एलोकेट करता है? गवर्नमेंट करती है? ना, उनका रहता अपना कमिटी, देवते का अपना रहता आदमी। अच्छा अच्छा, एक गुरु है, एक पुजारी है, एक और होता है। अच्छा, अरे देवता का जो ग्रुप है, ये कोई कम्युनिटी का पार्ट है या ऐसे ही देवता? नहीं, अपना अपना देवता है जैसे। अच्छा, वो देवता ना खुद चुनता है जिसको पुजारी लेना, मन मर्जी नहीं कर सकते कि मैंने इसका पुजारी। तो कैसे चूज करता है आदमी कोई? उसको पूछते हैं। हाँ, लिखने को बोलते हैं? ना ना, लिखने के लिए कांसे का प्लेट होता है। अच्छा, उसमें राइस डालते हैं। अच्छा, साबुत राइस, राइस डालते हैं और एक फूल डालते हैं। अच्छा, वो फूल को ऐसे मारते हैं, तो फिर पूछते हैं कि क्या करना है, कि कौन चाहिए आपको पुजारी, कितने बजे जाना है, क्या करना है, तो वो ही बताता है, वो एक्यूरेट बताएगा। लेकिन वो हवा से तो नहीं मूव करता? ना ना ना, वो बोलेंगे ना, वो जो पूजा करने वाला देवता होता है ना गुरु, उसको पता होता है कि क्या बोल रहा है। अच्छा, वो बताता रहता, बताता रहता कि ये बोल रहा है। क्या बात है, ये देखने वाली चीज है, मन मर्जी नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं इस फेस्टिवल को? वैसे हमारी पहाड़ी भाषा में जात्र बोलते हैं, जात्र। हाँ, और कुल्लू की भाषा में जाच बोलते हैं, जाच। फेस्टिवल का नाम है मेला जैसे। अच्छा, बड़ी विचित्र चीज है, क्योंकि मेरे को लगता है बरोट में ज्यादा ऐसी कहानी सुनने को मिलती है मेरे को। मैं नीचे जाता हूँ तो इतना नहीं बोलते लोग देव के बारे में। ये जो मांचल का दो पार्ट है, एक लोअर मांचल, एक अपर मांचल, जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें ज्यादा देव देवते। तो जैसे आप लोग पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र काफी ऊपर होगा, काफी ऊपर होगा। कितना ऊपर है ये? 2250 मीटर है। 2250 मीटर तो अच्छा हाइट है काफी।
भाई चुपचाप। सबसे अच्छी बात है कि आसपास कुछ है नहीं, तो बहुत ही शांति और अलग टाइप का ही नेचर है यहाँ पे, है ना। तो अगर मान लो रात को क्या क्या लोग कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब बॉनफायर रात को बॉनफायर कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज है जो आसमान में दिखती हो या नेचर में दिखती हो, तारे देखते हैं, मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं, तो ट्रैक पे जाते हैं। अच्छा, और जंगल घूमने जाते हैं। कोई जानवर वगैरह दिखता है यहाँ? जानवर ऊपर तो नहीं, जंगलों में तो है। जंगलों में कौन से जानवर? भालू, जंगली बकरी, मुर्गे, काफी है। मुर्गे भी है, ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ पे? हाँ, नीचे जंगलों में रहते हैं, उनका घर है। घर ही उनका यहाँ पे, कोई फार्म है ऐसे? नहीं नहीं, ऐसे ही जंगली जंगली मुर्गे। गजब बात है, जंगली मुर्गे यहाँ पे। और कोई बड़ा जानवर भी है क्या? बड़ा जानवर जंगली बकरी, भालू, लेपर्ड भी है? लेपर्ड कभी आता है इधर? नहीं, यहाँ तो क्या आएगा, हम आदमी से डरते हैं सब। वही वही, भालू आता कभी? भालू सर्दियों में आता है, सर्दियों में हाई माउंटेन बर्फ गिरता है तो नीचे नीचे आता है। जब बर्फ गिरता है तो आता है। पोलर बियर आता है क्या? व्हाइट होता है? ना ना, ब्लैक वाला, छोटा वाला। छोटा वाला ब्लैक, बड़े वाले? अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाइट वाले तो बहुत आगे मिलेंगे ना। व्हाइट और ग्रिजली लाजी तो बहुत बड़े होते हैं, वो तो फिर उधर मिलते हैं आपको ग्लेशियर में, है ना। इधर तो नहीं है, इधर नहीं है। तो कभी आपने कोई टेलीस्कोप से कभी तारे वारे नहीं देखे? और जाना नहीं क्या होता? नहीं देखे, एक बार देखे थे दिल्ली से आए थे उसके साथ। रात को 3 बजे चांद, तो आपको हम दिखाते हैं ऐसी चीजें, ठीक है। हम आपको पूरा आसमान में जितने तारे हैं सबके बारे में बताएंगे, कौन सा तारा क्या है, कौन सा प्लैनेट है, कौन सा स्टार है, स्टार है तो गैलेक्सी है, नेबुला है, होते क्या है, ये कैसे बने, सब कुछ। तो उसके बाद जब आप अगली बार तारा देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या बताना चाहते हैं। नहीं तो तारे देखते समय ऐसा लगता है कि जैसे हम बस खाली रेगिस्तान देख रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आता। तो यही चीज़ को दूर करने के लिए ऐसे सेशंस करते हैं हम लोग, ताकि समझ सके लोग कि किस तरीके से स्टार स्ट्रक्चर्स हुए हैं, उससे क्या इंस्पिरेशन मिली है। अभी जो ना हम जैसे लोग ना, हमने नहीं किया, जब ये एडवांस हो गया, घड़ी आ गई, रेडियो आ गए, इसके बाद जब हमारे माता जी दादू थे वो उसको तारे देख के टाइम का पता लगा था। सुबह बोलते ये तारा आ गया और सुबह हो रही है, 5 बजे ये तारा है। तो 7 तारों का समूह बोलते, मेरी माँ बोलती कि तारा समूह वहाँ पहुँच गया, इतने बज गए, उनको एक्यूरेट पता था। वो देख रहे बिग डिपर के मूवमेंट से टाइम पता लगाते थे। तो कल हमने देखा पूरा चम्मच बिग डिपर, और लेकिन उससे टाइम पता लगाने का भी मेरे को टेक्निक पता है, वो भी मैं बता सकता। पर आजकल के हमारे जैसे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि घड़ी आगे एडवांस हो गए। तो पहले क्या होता है गाँव में, बरसातों में ना बहुत धुंध गिरता है, तो दिखता नहीं कुछ भी। तो शाम हो जाती है, गाय लेने गए जंगलों में, तो पता कैसे लगा कि शाम हो गई? तो एक पेड़ होता है, पेड़ है, छोटा पेड़, बड़ा पेड़ नहीं होता, तो वो सो जाता है। अच्छा, जब 6 बजे की शाम तक सो जाएगा, पूरा पेड़ ही सो जाएगा। हाँ, उसके पत्ते ना ऐसे खड़े है, तो कितना बड़ा पेड़ है वो? 6-7 फुट तो होता है। 6-7 फुट का पेड़ सो जाता है? हाँ, पत्ते सोते हैं, पत्ते जैसे ऐसे खड़े नहीं नहीं गिरते ना, टहनी थोड़ी थोड़ी ब्रीक वाली टहनी ब्रांच नीचे आ जाती है। क्या नाम है इस पेड़ का? उसको तो काथी बोलते हैं, काथी। हाँ, तो क्या करता है जैसे वो जब 6 बजे शाम के, तो उसका लीफ ना बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। अच्छा, जब सुबह होगी तो ऐसे खड़ा जाएंगे। अच्छा, तो उसको देख के गाँव वाले समझते थे कि चलो गाय ले चलते हैं घर, रात होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा धुंध है तो दिखता नहीं। कमाल की बात है, बहुत था। को देख के वाह। और आई थिंक जुगनू देख के भी लोग पता लगा लेते हैं टाइम, क्योंकि जुगनू का एक समूह होता है जो एक जगह। और एक और बरसात में एक और चीज आती है, वो बहुत आवाज करती है, जैसे सुबह 7 बजे चांगल बोलते हैं, चांगल बहुत आवाज बहुत लंबा चिड़िया है ना, इतना कीड़ा है? कीड़ा नहीं है वो, उड़ने वाला है, उड़ने वाला इंसेक्ट। इतना बड़ा, तो इतना बड़ा रहता है, तो मोटा सा। हाँ हाँ, तो टाइम टू टाइम बोलता है, 7 बजे बोलेगा, 12 बजे बोलेगा, शाम को 6 बजे बोलेगा। उसका बहुत पक्का टाइम है, 7 बजे 12 बजे 12 बजे और शाम को 6 बजे और शाम को 6 बजे उनका टाइम रहता है, 6 बजे शाम को, फिर 7 बजे सुबह। हाँ, और फिर दूसरे दिन ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है, 7, 6 और 12 दिन 12। यार बड़ा ही सही किया है, बहुत है, दिन कैसे रहता है। दे आर अलार्म्स, नेचर अलार्म्स, जो आप समझो कि बरोट वैली में दिखते हैं ऐसे, ये है दिखते हैं अभी, जो आजकल नहीं होता, वो स्पेशली बरसात में आते हैं वो। आता है वो? हाँ, बरसात में आएगा, फिर कहाँ चला जाता है? फिर गायब हो जाता है, जब गायब हो जाता है, मर जाता है, पता नहीं क्या होता है। अभी जैसे बरसात शुरू होगी, मर जाता है, बरसात शॉर्ट स्पैन होता है, बरसात शुरू होगी तो 2 महीना इतना रहता है, शायद 2 महीना जीता है। बरसात जैसी खत्म हुई तो गया। एक बारिश के कीड़े होते हैं, उनकी लाइफ स्पैन एक दिन की होती है, वो एक दिन में ही बड़े हो जाते हैं, अगले दिन ही मर जाते हैं। हाँ, एक दिन का लाइफ स्पैन है, सबसे छोटा लाइफ स्पैन एक कीड़े का, मतलब ऐसा कुछ। और पत्थरों में आपने देखा हो कुछ ऐसा? पत्थरों में तो कुछ नहीं है, पत्थरों में आग जलाते हैं, पत्थरी तो लाइफ है गाँव वाले की। हाँ, तो जैसे
यहाँ के पत्थर कैसे थोड़े ठंडे हो जाते हैं? पत्थर ना बहुत हर एक किलोमीटर हर दो किलोमीटर के बाद पत्थर का कलर चेंज है। अच्छा अच्छा, हर हर जगह तीन चार क्वालिटी का पत्थर है, स्प्लिट होने वाला, कोई गोला है, कोई कैसा है। नेचर हेवन तो ये है ही, फ्लोरा फौना जो मतलब बोलते हैं ना पेड़ और पौधे, ठीक है, और जानवर, इनका अच्छा यहाँ पे समूह है, बहुत अच्छा है। बहुत चिड़िया है, उनके लिए खाने के लिए इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स के भी छोटे छोटे प्रकार के इंसेक्ट्स बहुत है, दिख लिया बहुत है, चींटियां बहुत है, चींटियां बहुत टाइप की भी चींटियां है यहाँ पे। अच्छा, नेचर वेजिटेशन इतना होने के बावजूद अगर आप आसमान में देखो तो ये 360 डिग्री व्यू है यहाँ से, पूरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम सब सारे जगह से पूरा स्काई ओरिएंटेशन देख सकते हैं, कैसे तारे आते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन से तारे क्या है सब। बड़ा ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, सारे जान के। आई होप जो लोग सुन रहे होंगे उनका भी बहुत कुछ समझ में आएगा कि बरोट वैली क्यों जाए, मतलब पर्पस ऑफ गोइंग टू बरोट वैली, और पर्पस के बाद भी मतलब जाने के बाद भी स्टार गेजिंग क्यों करें, और रात में उसको किस तरीके से आप मेडिटेटिव बनाएं, और सुबह आप किस तरीके से फिर से नेचर में इंटू चले जाएँ, है ना। आई थिंक हर चीज़ कनेक्टेड ही होती है आपस में। अगर आपकी रात बहुत डिस्टर्ब्ड है तो सुबह भी आपका डिस्टर्ब होगा, तो बैलेंस होना चाहिए। अगर दिन में आपने बहुत वेजिटेशन देखी तो रात को भी आपको स्टोरीज जाननी चाहिए स्काई की, तो पूरा एक पैकेज आपको मिलता है उसके लिए। बरोट वैली आई थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन, तो आइए एंड एक्सपीरियंस दिस डे। थैंक यू। सेट हो चुका है, नाउ इट्स गेटिंग डार्कर बट मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग, लेट्स गो। इसका धुआं पड़ता है ना, तुम मच्छर नहीं आते? आते नहीं। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर तो कुछ नहीं, पानी डाला हुआ इसमें था। वाओ, देखो कितना अच्छा है, पानी है और क्या है? कुछ नहीं है। तो पानी से कैसे भाग जाएगा मच्छर? नहीं नहीं, ऐसे धुआं है ना, इस लकड़ी के धुएं से। ये लकड़ी किस पेड़ की है? इसकी हो ये वो पत्ते वाले जो है, इससे मच्छर भाग जाते हैं। कैसी स्मेल है इसकी? बिल्कुल बिल्कुल मोर्टिन जैसी है, पक्का। अगर कोई भी सुनेगा तो बोलेगा मोर्टिन है, मतलब हम लोग दिल्ली में यूज करते हैं, ऐसी सुगंध आती है उसकी, बहुत महंगा बेचता है।